लेने वाले नोबेल इनामी याफ्ता डॉक्टर अब्दुस सलाम ने तो पाकिस्तान का नाम फख्र से बुलंद किया, मगर इनका घर और दीगर कई कीमती अशिया हुकूमती अदम तवज्जो का शिकार हैं। जंग सिटी के इलाके में वाकई उनके घर की हालत इजहार की तफसीलात मुसफ्फा रूह की इस रिपोर्ट में। जिंदा कौमें अपने हीरोज को याद रखती हैं, लेकिन जंग के नहायत गरीब ख़ानदान से ताल्लुक़ रखने वाले डॉक्टर अब्दुस्सलाम की रिहाइशगाह और तारीखी स्कूल फिज़िक्स में इनके पाकिस्तान के वाहिद नोबल इनाम हासिल करने के बावजूद किसी भी हुकूमत की तवज्जो हासिल न कर सके और आज ये तारीखी विरसा नापैद होने का ख़तरा है। डॉक्टर अब्दुस्सलाम साहब का मकान है इत्थे, बहुत बहुत दूर बंदे तस्वीर वो तस्वीर खिंच के भी लैके जाते हैं, मगर लाइब्रेरी इत्थे कोई नहीं अज तक बनी। पहरेदार एक बिठाया उन्होंने, वो तो बारे जी भी कुछ नहीं आना सोचता मेरे को इत्थे उसकी यादगार छड़िए, यादगार होनी चाहिए कोई, ताकि उसकी कोई जरा आवे बंदा देखे भी उन्हें ये काम करके दिखाया है। ऐसे साइंसदान पैदा हुए वहाँ, उस स्कूल की अब ये पोजिशन है, कोई उस्ताद और यहाँ नहीं दिया जा रहा और एक अकेला उस्ताद यहाँ काम कर रहा है। हुकूमती सरपरस्ती और लाइब्रेरी ना होने के बायस डॉक्टर अब्दुस्सलाम की रिहाइशगाह पर मौजूद तारीखी दस्तावेजात खुले आसमान तले गड़सड़ रही हैं और इनका कोई पुरसाने हाल नहीं। कोई जगह ऐसी नहीं है जहाँ कोई उसका यादगार चीज़ जहाँ कोई मौजूद है, लिहाजा ये मकान गिर रहा था और गिरने का अंदेशा हमें इसका कोई तहफ़ नहीं है, लिहाजा हम अपील करते हैं कि इसका तहफ़ लिया जाए। साइंस के मैदान में पाकिस्तान को दुनिया भर में शोहरत देने वाले डॉक्टर अब्दुस्सलाम की यादगार हुकूमती तवज्जो की मुंतजर है, ताकि आने वाली नस्लों को ये तारीखी विरसा खंडरात में ढूंढना न पड़े। मसब फारूक, एआरवाई न्यूज़।